मैंने साफ साफ कहा है, अगर देवेंद्र जी का मानना है कि महाराष्ट्र में अघोषित आणीबाणी जिसे हम कहते हैं मराठी में, उसका अमल चल रहा है, तो फिर दिल्ली में जो चल रहा है उसका वर्णन वो कैसे करेंगे? अपने ही काश्तकार है जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसको आप आतंकवादी कहने लगे, और वो देश के बाहर से आए, उनको नक्सलाइट का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, क्या वो हमारे अन्नदाता नहीं है? और जो भी व्यक्ति अपने अन्नदाता को टेररिस्ट मानता है, मुझे लगता है कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है वो। ठीक है, धन्यवाद। कुठला सभागृहात?